दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से आई हुई दो विद्यालयों से शिक्षक भर्तियों के बारे में। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि यहाँ पर बीएड सीटेट की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन यहाँ पर बाध्यता नहीं है। अगर आपने बीएड या सीटेट नहीं भी किया हुआ तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये एक डायरेक्ट भर्ती है, कोई भी एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पर पेड नहीं करनी है। तो कम्प्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देंगे, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले ये विज्ञापन आप लोग देख पा रहे होंगे जिसमें वैकेंसी के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर जो पोस्ट है वैकेंसी के लिए वो है पीजीटी में बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और हिंदी की, और टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस की। इन पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं। पदों की संख्या यहाँ पर नहीं दी रही, लेकिन पद यहाँ पर ठीक ठाक होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है एक तरीके से पैनल बनाया जा रहा है। पैनल जब बनता है तो यहाँ पर कई सारे जो टीचर्स के पद होते हैं वो रखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो पीजीटी में आपको सैलरी मिलेगी 27,500 रुपये मिलेगी, और टीजीटी में जो मिलेगी वो 26,250 रुपये मिलेगी, ठीक है। और इसका जो इंटरव्यू होना है वो 4 जुलाई 2023 को होना है। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ कि इन अब्सेंस ऑफ सीटेड बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मे बी रिलैक्स्ड टू कंसीडर अदर कैंडिडेट। यानी यहाँ पर आवेदन करने के लिए अगर सीटेड या बीएड कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होते हैं तो फिर नॉन सीटेड और नॉन बीएड वाले कैंडिडेट को भी यहाँ पर जॉब दे दी जाएगी। और यहाँ पर कोई भी फॉर्म आपको नहीं भरना है, सिंपल सा यहाँ पर क्या है कि आपको जो इसका आवेदन पत्र का प्रारूप है वो डाउनलोड करना है, फॉर्म को मतलब उसको भरना है, और सभी प्रमाण पत्रों के साथ और आपको एक सेट जो है फोटोकॉपी का उसको लेकर के जो है आपको स्वयं सत्यापित छाया प्रतियों के साथ आपको विद्यालय में उपस्थित होना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। और इंटरव्यू जो है 8:30 बजे से शुरू होगा, 10 बजे तक मतलब रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ पर, 8:30 से 10:30 रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो 8:30 बजे तक आप उपस्थित हो जाना, 4 जुलाई को आपका इंटरव्यू है टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए। ये जो वैकेंसी आई है इसके लिए वेबसाइट दी गई है ONGC अंकलेश्वर.KVS.AC.IN, ठीक है। तो वॉक इन इंटरव्यू है, डायरेक्ट यहाँ पर भर्ती हो रही। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं जा सकते हैं तो यहाँ पर आप जरूर जाइएगा। ये देखिए यहाँ पर इसकी वेबसाइट दी गई है ONGC अंकलेश्वर.KVS.AC.IN। यहाँ पर होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट का सेक्शन मिल जाएगा, ये देखो यहाँ पर, और यहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा इसका आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर अभी केवल नोटिफिकेशन ही दिया गया है। नंबर एक पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंटरव्यू नोटिस फॉर वेरियस पोस्ट, नंबर एक पर देखो दिया गया है, और 26 जून को ये नोटिस पब्लिश की गई है। लेकिन अभी यहाँ पर एप्लीकेशन का फॉर्मेट नहीं आया, तो इंटरव्यू की पहले उम्मीद है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से डाउनलोड करके सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप उपस्थित हो सकते हैं। दूसरी वैकेंसी यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर देखिए जो पोस्ट है आपके इस तरीके से पीजीटी और टीजीटी की यहाँ पर भर्तियाँ होने, पीजीटी में इंग्लिश और हिंदी की पोस्ट है, और टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशल स्टडीज़ की पोस्ट है। इसका इंटरव्यू भी 4 जुलाई को होना, 9 बजे पूर्वाह्न, सुबह 9 बजे इंटरव्यू होगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पोस्ट और हैं पीजीटी टीजीटी की, जो कि पीजीटी केमिस्ट्री बायोलॉजी की है, फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की है, और टीजीटी में मैथमेटिक्स की। इनका इंटरव्यू 5 जुलाई को होना है 9 बजे। तो ये वैकेंसी कहाँ से आई हुई, तो ये वैकेंसी आई हुई केंद्रीय विद्यालय अररिया बिहार से, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2023-24 के लिए जो है संविदा के आधार पर भर्तियाँ हो रही हैं, तो जो भी इच्छुक साथी हैं आवेदन कर सकते हैं। और ये KVS की ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये जो है स्कूल की रीजनल वेब मतलब खुद की वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखे बताया कि एप्लीकेशन को वेबसाइट की विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भर करके आपको इंटरव्यू में उपस्थित होना है। और इंटरव्यू की डेट आपके सामने, आपको जाना कहाँ इंटरव्यू के लिए, तो जाना है आपको इस स्कूल एड्रेस पर जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय अररिया, रहीकपुर पोस्ट अररिया, RS जिला अररिया बिहार, ये एड्रेस दिया गया है। कोई क्वेरी हो तो यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया, ईमेल आईडी दी गई, यहाँ पर जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर हो रहे हैं, तो आप इसके लिए जा सकते हैं।